खरगोन जिले के बड़वा के एडवोकेट अंजलि गुप्ता ने थाने पर आदर्श क्रेडिट को ऑपरेटिव संस्था द्वारा जमा कराए गए रुपये न लौटाए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। आदर्श क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी महेश्वर रोड बड़वा के ब्रांच मैनेजर विनय भार्गव और राजेश तिवारी ने शेयर मार्केट के नाम पर 75,000 रुपये सेविंग खाते में 3,19,000 रुपये जमा कराए, जिस पर 12.5% की दर से ब्याज देने का लालच दिया। फरियादी अंजलि गुप्ता ने जब अपने रुपयों की मांग की तब लौटाने से इनकार कर दिया। थाना प्रभारी अनिल यादव के मार्गदर्शन पर उप निरीक्षक शीतल सिंगार ने शिकायत की जांच पर विनय भार्गव एवं राजेश तिवारी के विरुद्ध भारतीय भादवी 420 एवं 34A के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया। पुलिस के समक्ष आरोपियों ने फरियादी द्वारा 4,69,000 रुपये जमा करना और न लौटाना स्वीकार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर संबंधित दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। पुलिस अन्य दस्तावेज और सहयोगी आरोपियों की तलाश कर रही है। बड़वा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। दिनांक 2 जुलाई 2019 को श्रीमती अंजलि गुप्ता ने एक शिकायत आवेदन थाना बड़वा में प्रस्तुत किया था कि इन्होंने आदर्श कोऑपरेटिव संस्था महेश्वर रोड पर खाता खुलवाया था, जिसमें कि उन्होंने करीब 1.5 लाख की शेयर, 1.5 लाख की एफडी और 3 लाख रुपये उनके नगद खाते में जमा थे, जो कि इनका खाता सीज कर दिया गया और कंपनी यहाँ से कर्मचारी बंद करके चले गए हैं, क्योंकि इनकी धोखाधड़ी इनके आवेदन पे धोखाधड़ी पाई गई, जिसपे अपराध धारा 326, 420, 34 का पंजीबद्ध किया गया और इनके जो मैनेजर है आरोपी राजेश तिवारी और विनय पिता जुगल किशोर दोनों को पुलिस हिरासत में पूछताछ की जा रही है और पूर्व भी इनकी 2-3 शिकायतें हैं इनकी और इनके अन्य भी ब्रांचों में जयपुर और अहमदाबाद में इनकी धोखाधड़ी वर्क की है। इनके जो अन्य ब्रांच बने वो भी जेल में बंद है। इसमें टोटल कितने लाख का दमन है? इसमें 2 आरोपी हैं। अमाउंट कितना है सर? अमाउंट मैंने बताया कि इन महिला को तो इतनी है कि 3 लाख नकद है और 1.5 लाख की एफडी और शेयर है। अन्य लोगों के बारे में सर शिकायत करता खुद वहाँ सोसाइटी बैंक की अभी करता है, उसने भी लाखों रुपए के मतलब खातेदारों से लिए हैं, तो उसके खिलाफ भी क्या कार्रवाई की? अगर उसके बारे में कोई शिकायत प्रस्तुत करता है तो जांच करके उसके खिलाफ भी कार्रवाई की। जिलों की समस्याओं के निराकरण और शासन की